आपका 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 सॉरी माइनस 2, ये आपका मेन पॉलिनॉमियल है। 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो क्या फैक्टर्स आ गए इसके? एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये आपका px हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया आपका डिवाइजर gx इंटू कोशेंट क्या आया था आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ओके, प्लस ऑफ कोर्स रिमाइंडर जो कि जीरो है, राइट। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, ये आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, राइट, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको क्या बोला गया है, इसका जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना है, यस फैक्टर्स करना है। फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करेंगे, इसको ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। इसके हमको ऑलरेडी पता है क्या है, रूट टू एंड माइनस रूट टू, वो हमने पहले कर दिया था, उन दोनों को कंबाइन करके किया था। अब इसको स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से करेंगे। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको अभी नहीं कुछ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इसके आंसर है। अब इसको स्प्लिट करेंगे, वापस से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोशेंट टू है और सी कांस्टेंट टर्म क्या है वन, टू वन जा टू, तो टू वन टू के फैक्टर्स क्या है, वन वन टू वन एंड वन इंटू टू इज यू विल गेट टू, सो टू दोनों को ऐड करने से, सो टू वन जा टू, ठीक है, ये फैक्टर्स दोनों को ऐड करने से आपको थ्री मिलेगा, राइट, टू और वन को ऐड करने से थ्री मिलेगा। तो क्या करेंगे, साइन का एडिशन चाहिए तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, यहाँ पर साइन क्या है माइनस, इसलिए दोनों में माइनस, सो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन। समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है टू, यहां पर वन, सो टू वन जा टू, सो टू के यही दो फैक्टर्स है टू एंड वन, इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से आपको थ्री मिलेगा, सो एडिशन है इसलिए आप वो साइन डालोगे, दोनों में सेम साइन डालोगे जो कि यहां पर है, सो माइनस है यहां पर, सो दोनों में माइनस आएगा, ओके। अब कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू को वैसे ही रखेंगे, इन दोनों में से कॉमन है टू एक्स, बचता क्या है एक्स माइनस वन, यहां पर कॉमन है माइनस वन, एक्स माइनस वन, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू, अब यहां इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस वन कॉमन है, बचेगा क्या, सो एक्स माइनस वन इसमें से निकलेगा, ये है टू एक्स, एक्स माइनस वन इसमें से निकलेगा, ये है माइनस वन, ठीक है। सो जो बाकी दो फैक्टर्स हैं वो है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड टू एक्स माइनस वन। अब इसमें से आप जीरो निकाल सकते हो, कैसे, अगेन वो करोगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर आएगा आपका वन एंड यहां पर आएगा वन बाय टू। समझ में आया, ओके, क्योंकि जीरोस कैसे मिलेगा, इन दोनों फैक्टर्स को भी जीरो से इक्वेट करोगे, राइट, सो क्या आएगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वन गोज दिस साइड, एक्स इज इक्वल टू वन, यहां पर वन इधर आया, वन हो गया एंड टू डिनोमिनेटर में गया वन बाय टू, सो व्हाट आर द फोर जीरोस, देयरफॉर द फोर जीरोस आर, क्योंकि ये बाय का क्वाड्रेटिक है इसलिए फोर आना चाहिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया था क्या, द फोर जीरोस, दो जीरोस दिए थे, वो क्या था, रूट टू एंड माइनस रूट टू, ठीक है, उन दोनों को कंबाइन करने से ही हमें ये मिला था,
तो ये ऑलरेडी दिया हुआ था, बाकी दो फाइंड करने को बोले थे, तो क्या मिला, वन एंड वन बाई टू।